हेलो गाइस, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निक की दुकान में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक थीम के बारे में जो केवल शाओमी की डिवाइस के लिए है। अगर आप शाओमी डिवाइस चलाते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। तो गाइस, उस थीम का नाम है ब्लैक रश। तो गाइस, मैं इसमें क्या क्या नए फीचर हैं और क्या क्या इसमें नया मिलेगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो गाइस, ये थीम जो मिलेगी आपको वो थीम्स में मिलेगी। आपको एम आई में थीम्स का एक ऐप है, उसमें जाना है। जाने के बाद आपको सर्च कर लेना है, लेकिन गाइस मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक रस। इसको क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद उसको अप्लाई कर लेना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आप सीधे होम पे आ जाएं। होम पे आएंगे तो देखेंगे आपकी जो स्क्रीन है यहाँ पे पूरी बदल चुकी है और आइकन जो थोड़े बड़े बड़े हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम जो है वो पहले से काफ़ी चेंज हो गया है और पूरी स्क्रीन पूरी तरह से बदल चुकी है। और गाइज मैं आपको दिखा दूँ, इसमें आप ऐप देख सकते हैं, पूरे ऐप चेंज हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं डायलर पैड को दिखा दूँगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका पूरा डायलर चेंज हो चुका है। यहाँ पे पूरा ब्लैक हो चुका है, इससे क्या है आपकी बैटरी बचेगी। और आप नीचे देख सकते हैं जियो आईडी, आपको अलग अलग ऑप्शन मिल गए हैं, जो एक नीला है और एक हरा है। तो गाइस जो आपको ये नया मिल गया चुका है इसमें, और आप देख सकते हैं आपको सेटिंग भी इसमें आप देख सकते हैं सेटिंग भी आपकी पूरी ब्लैक हो चुकी है, जो काफी मस्त लग रही है यहाँ पे। और गाइस इसमें जो आपको नया मिलता है वो देखते हैं, आप मैसेजिंग ऐप्स में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक हो चुका है। तो गाइस इसका सबसे बड़ा काम क्या है, ब्लैक स्क्रीन से आपकी बैटरी की बहुत बचत होती है। तो गाइस ये सबसे बड़ा काम क्या करते हैं, आपकी बैटरी को और ज़्यादा चलाएगी। और गाइस आप देख सकते हैं कैलकुलेटर, तो आप देख सकते हैं कैलकुलेटर आपका चेंज हो चुका है यहाँ पे। और ऊपर से देख सकते हैं आपके ब्लैक हो गए, कैलकुलेटर कन्वर्टर और या मोड जो लिख रहा है यहाँ पे। और गाइस जब मैं आपको बताऊंगा इसके लॉक स्क्रीन में क्या क्या नए फीचर मिलते हैं, तो आपको इसको लॉक कर लेना है अपने डिवाइस को और आपको ऑन करके देखना है। तो आपकी जो लॉक स्क्रीन है वो काफ़ी मस्त लग रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गैलेक्सी दिख जाती है आपको और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, जो काफ़ी बेहतरीन लग रही है। तारे भी निकलते दिखाई दे रहे हैं और आप यहाँ पर टाइम देख रहे हैं जो काफ़ी मस्त लग रहा है टाइम। और जब आप गाइस इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, आप सेटिंग के आइकन पर क्लिक करेंगे इसको, तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो मिलता है यहाँ को आपको क्लिक पोजीशन, तो इसको क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं टॉप बॉटम, अगर आप टाइम को अपने टॉप पर रखना चाहते हैं तो आपका टाइम ऊपर रहेगा, अगर बॉटम पर क्लिक कर देंगे तो आप लॉक करके देखेंगे जो आपका टाइम पहले ऊपर शो हो रहा था वो नीचे आ गया है। तो गाइस इसमें एक क्या है, तो आपको फिर सेटिंग में जाना है और सेटिंग में आपको जो दूसरा ऑप्शन मिल जाता है वो है शो डे ऑफ दी वीक। तो गाइस इसमें क्या है, आप जो अगर अपने सप्ताह के वीक के दिन आपको शो करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर दें, नहीं तो ऑफ रहने दें। और गाइस अगर आज ऑप्शन मिलता है आपको लॉक स्क्रीन स्टाइल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ चार ऑप्शन मिलते हैं, स्टॉक फिंगरप्रिंट स्लाइड आईओएस। तो आप फिंगरप्रिंट पे करेंगे तो आप जब लॉक लगाएंगे तो आपको यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट का आइकन सा दिखाई देगा, तो आपको उसको थोड़ी देर होल्ड रखना है और छोड़ देना है, तो आपका लॉक खुल जाएगा। और अगला जो ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे है स्लाइड, तो आप लॉक लगा के देखें फिर, तो आप यहाँ पर स्लाइड मिल जाती है। अगर आप इसको अदरवाइज कुछ नहीं होगा, अगर आप इस तरह को स्लाइड करेंगे तो आपका लॉक खुल जाएगा। और अगला जो ऑप्शन मिलता है आपको आईओएस स्टाइल, जो एप्पल के आईफोन्स की तरह है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं नीचे आईओएस की तरह यहाँ पे आ गया। अगर आप इधर को स्लाइड करोगे इसको तो आपका लॉक खुल जाएगा। और इसमें जो अगला ऑप्शन मिलता है यहाँ को शो फर्स्ट अनलॉकर शॉर्टकट, तो इसको ऑन कर देंगे तो आप लॉक स्क्रीन पर जाकर देखेंगे तो आपको एक शॉर्टकट मिल जाएगा डायलर का। और अगला जो ऑप्शन मिलता है आपको शो सेकंड अनलॉकर शॉर्टकट, इसको ऑन कर देंगे तो आपको जो दूसरा शॉर्टकट मिल रहा है आप अनलॉक पर देख सकते हैं, आप आपको कैमरे का शॉर्टकट मिल जाता है। और अगला जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे शो सेटिंग बटन, तो आप अगर आप ऑफ कर देंगे तो यहाँ पर जो सेटिंग का बटन आ रहा था वो ऑफ हो जाएगा, अन्यथा इसको ऑन ही रहने दें तो सामने शो होता रहेगा। और अगला जो ऑप्शन मिलता है आपको एनिमेशन वॉलपेपर, तो अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो आप लॉक स्क्रीन पर जाकर देखेंगे यहाँ की आपकी एनिमेशन ऑन होगी, यहाँ पर कुछ बूंदे टपकती हुई दिखाई दे रही हैं जो काफ़ी मस्त लग रही हैं यहाँ पे। और अगला जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आपको वो है ब्लर वॉलपेपर, अगर आप चाहते हैं कि आपके वॉलपेपर थोड़ी ब्लर दिखे तो यहाँ पे इसको ब्लर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर हो गई है।
और अगला जो ऑप्शन मिलता है वो ब्लर लेवल। तो आप अगर आप इसको 100 कर दिख रहे या इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैं इसको 100 कर दे रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये पहले से ज़्यादा ब्लर हो गया है, जो पूरा ब्लर दिख रहा है यहाँ पे। और अगला जो ऑप्शन मिलता है सो क्यूट, तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोटेशन मिल जाती है। ये क्या है, आप यहाँ पर डाउन लॉक करके देखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन द समर इवनिंग, यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलते हैं आपको, लिखना कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ अपने चैनल का नाम। सेकंड में लिख देता हूँ मैं, तो गाइस मैंने पूरी तीनों लिख दी हैं यहाँ पे। अब आप अनलॉक करके देखोगे इसको, लॉक स्क्रीन पर आप देखेंगे यहाँ पर आप टेक्निक की दुकान लिखा रहा है। तो गाइस आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जो आपको पसंद है उसको लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको जो अगला ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन डिटेल्स मिलती हैं और यहाँ पे और कुछ नहीं है। और गाइस इसी थीम में बस ये कुछ कस्टमाइजेस मैंने आपको बता दिए हैं, अगर आप चलाएंगे तो कुछ और भी आपको मिल सकते हैं नया। तो गाइज आज के लिए बस गाइज इतना ही, अगर थीम पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको थीम कैसी लगी। तो गाइज मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, और मैं आपको बता दूं अगर आपको टेक्निक संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो हमें इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहाँ पर अपने मैसेज करें कोई भी परेशानी का, तो हम आपको पूरा सॉल्यूशन देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी टेक्निकल वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।